बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, मैंने लिखा है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है और वीडियो मैंने यहाँ टीच किया, तो ये स्टेटमेंट वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी आप वो देख लें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारे साथ हैं The rate of change of the voting population of a city with respect to time and year is given by dn divided by dt is equal to 100t divided by 1 plus t square whole square, where n of t is 1000. If n of 0 is the current voting, n of 0 population, then how much will this population increasing during the next 3 times? N of 3 मालूम करना है, n of 3, after 3 hour population में कितना इजाफा आ जाएगा, ठीक है, तो वो मालूम करना। तो सबसे पहले हम n मालूम करते हैं, n of t, उस फिर n of 0 से हम constant मालूम करते हैं और फिर हम n of 3 मालूम करेंगे। तो integrate कर ले इस equation को, वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी, ये मेरे साथ बन जाएगा एन ऑफ टी, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ 100 बाहर लिखता हूँ, इंटीग्रल ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर पावर ए माइनस टू हो जाएगा और टी में इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब वही रूल में अप्लाई करता हूँ, इधर फंक्शन इधर डेरिवेटिव, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आता है, ठीक है। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करूंगा, तो n of t आ जाएगा 50 और 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 से माइनस 1 आता है और n2 और प्लस c, तो n of t हमारे साथ आ जाएगा माइनस 50 और 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, तो n of t हमारे साथ आ जाएगा माइनस 50 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी, माइनस 50 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब एन ऑफ जीरो कंडीशन में हमारे साथ टी भी जीरो है और एन भी जीरो है, एन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, फुट ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो एंड एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर इधर में ये भी जीरो फुट कर लो, माइनस 50 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 मतलब 1 आ गया प्लस सी, तो इसका मतलब है कि सी हमारे आ गया 50। पुट एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो एन ऑफ टी हमारे आ जाएगा माइनस 50 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 50। अब एन ऑफ 3 मालूम करता है करना, तो पावर एन ऑफ 3 पुट ऑफ टी इज इक्वल टू 3, तो n of 3 हमारे आ जाएगा माइनस 50 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 50, तो n of 3 इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर से आता है 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 50, तो n of 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 00 के साथ खत्म, तो 50 माइनस 5 से 45, तो 45,000, क्योंकि ये हमारे साथ 1000 में है, गिवन है बुक में कि ये 1000 में है, तो 45,000 इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारे साथ होगा आफ्टर 3 आवर्स इयर्स 45,000। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ साल में